नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग पर। और दोस्तों मैं आज फिर से संगम आया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे जब ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है कभी दोस्तों, मैं यहाँ पर लोनली फील करता हूँ तो मैं यहाँ पर संगम में आ जाता हूँ ऐसे घूमने के लिए। तो दोस्तों अभी पीछे मेरे यहाँ पर गंगा आरती हो रही है, क्योंकि रोज शाम 7 बजे गंगा आरती होती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे गंगा आरती कैसे हो रही है। और आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी ही रहती है संगम में, चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर ना हो। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको गंगा दिखा देता हूँ, गंगा जी की आरती कैसे क्या हो रही है। तो इधर साइड जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो शास्त्री ब्रिज, इसमें लाइटिंग शो भी बहुत अच्छा होने लगा, आप जैसे देख सकते हैं। और भाई साहब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ब्रिज है, तो यहाँ पर काफी अच्छा देखने व्यू लगता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में ही पूरा ये मतलब नहीं आ रहा, इतना लंबा ब्रिज है। जैसे आप देख सकते हैं वहां तक पूरा बना हुआ है। और यहाँ पर गंगा आरती हो रही, तो मैं आपको दिखाता हूँ गंगा आरती कैसे हो रही। तो इधर दोस्तों जैसे आप देखेंगे तो ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है, मतलब यहाँ पर जो गंगा जी की आरती होती है इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस साइड से गंगा जी है, उधर से यमुना जी है, तो यहाँ पर गंगा आरती 7 बजे शुरू होना शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पास से कैसे क्या है। और अभी दोस्तों हम पास में आ चुके हैं गंगा आरती के, आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा आरती हो रही है। कुछ लोग ड्रोन शॉट भी ले रहे हैं, सामने आपको हरा कलर का ड्रोन भी उड़ रहा दिख रहा होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर वाराणसी में मतलब कि गंगा जी की आरती की जाती है शाम को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गंगा जी की आरती की जाती है। जैसे दोस्तों मैं बैक साइड में देख सकते हैं कि भजन यहाँ पर भीड़ लगती है, और दोस्तों डेली तरह से भीड़ लगती है, डेली से ज्यादा श्रद्धालु आते रहते हैं। महादेव के दर्शन करें, जय त्रिवेणी जय प्रयाग। सभी को एक बार बोलेंगे हरे हरे महादेव। अभी इधर आरती हो चुकी है और इस साइड यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, तो हम प्रसाद ले लेते हैं। दोस्तों आरती खत्म हो चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर एक भोले बाबा के रोल में एक लोग हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। इधर आरती खत्म हो चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर एक भोले बाबा के रोल में है। एक बार जयकारा यहाँ दोस्तों, आरती की लौ अभी भी जल रही है, तो हम यहाँ पर आरती ले लेते हैं। भैया कितने बजे रोज आरती होती है यहाँ पर? भैया कितने बजे रोज आरती होती है यहाँ पर? 7 बजे डेली। चलिए तो डेली 7 बजे यहाँ पर आरती होती है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। मम्मी को देते हैं ना, मम्मी को, मम्मी आइए ना। तो अभी फिलहाल मैं संगम में आ चुका हूं, और दोस्तों यहां का कंडीशन बहुत ही ज्यादा मतलब वियर्ड है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि यहां पर पहले क्या था कि यहां यहां तक पानी भरा रहता था, आप जैसे देख सकते हैं यहां से यहां तक पानी भरा रहता था। लेकिन यहां पर इतना गंगा नदी सूख, ये तो यमुना नदी है, गंगा नदी उधर से आती है, यमुना नदी इतना सूख चुकी है कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हर जगह आपको सैंड देखने को मिल जाएगी, बालू देखने को मिल जाएगी। और भाई साहब मैं पिछली बार जब आया था तो यहाँ से पानी था वहाँ जो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा सूखा हो चुका है। एग्जैक्टली इस कैमरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट मतलब अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर जब कुंभ मेला लगता है तभी यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग रहती है, वैसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ लाइटिंग नहीं रहती है, दूर दूर आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर हर जगह मतलब कि आधी ज्यादा नदी सूख चुकी है, आधी जगह में यहाँ पर बालू बालू ही देखने को मिल रही है। लेकिन शहर से एक चीज यहाँ पर अलग है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा है, वहाँ मतलब शहर के अंदर अगर सिटी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा भाई साहब गर्मी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मतलब ठंडा माहौल है। तो अभी कंडीशन यहाँ की कुछ ऐसी है कि अगर आप यहाँ पर अगर आते स्नान करने के लिए, तो भाई साहब आपको यहाँ पर बालू बालू पार करके, जो जितनी आपकी बालू दिख रही ना, ये पूरी आपको पार करके आधी नदी के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आप स्नान कर पाएंगे, क्योंकि आधी ज्यादा नदी तो सूखी चुकी है,
वहाँ पर जो गाड़ी चल रही है यहाँ पर पानी रहता था, यहाँ पर नाव चलती थी, अब यहाँ पर गाड़ी चल रही है, ऐसा कुछ यहाँ का सीन है। और मेरा दोस्तों कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, सडनली जब मुझको लगता है कि यार एक्सप्लोर किया जाए, इसे घूमा जाए तो मैं आ जाता हूँ। तो मैं अचानक यहाँ पर मेरा प्लान बन गया था यहाँ पर गंगा में आने के लिए, यहाँ पर जो संगम में आने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लिया जाए, यहाँ की कंडीशन को बता दिया जाए। ऐसा कुछ यहाँ पर अभी चल रहा है, गंगा जी सूख चुकी हैं और यमुना जी काफ़ी हद तक सूख चुकी हैं, आधी जगह सूख चुकी हैं, तो स्नान करने में आपको आधे ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, वो भी पैदल, क्योंकि जहाँ पर नाव चलती थी वहाँ पर अब यहाँ पर गाड़ी चल रही है। सो ऐसी कुछ इसकी कंडीशन है। बाकी अब देख सकते हैं जो बने हुए ना, यहाँ तक पानी रहता था, यहाँ ये पानी में तैरते रहते थे, लेकिन यहाँ से आप अगर देखेंगे वहाँ तक बहुत दूर तक तो आधी ज़्यादा नदी सूख चुकी है। तो ऐसी कुछ यहाँ की कंडीशन है। ये मैं आया था पिछली बार जब, तो चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ की कंडीशन बता दी, अब दोस्तों चलते हैं लौटते हैं। बाकी कुछ और भी अपडेट होगा यहाँ का तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या है। तो अभी दोस्तों 8:30 बज रहे हैं और आपका दोस्तों देख करके दिमाग चकरा जाएगा कि अभी दोस्तों यहाँ पर जो लेटे हनुमान जी हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप मतलब पूछ ही नहीं सकते, मतलब इस टाइम भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पर बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है। अभी दोस्तों आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मंदिर बना हुआ है और वहाँ से पूरी भीड़ वहाँ पूरी वो किले के वहाँ तक पूरी मतलब की लाइन लगी हुई है। तो मतलब यहाँ पर भाई साहब श्रद्धा के दृष्टि से मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और मैं बाई चांस यहाँ पर आता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं भाई साहब इस टाइम भी इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है कि क्या कहा जाए। देखो वहाँ तक पूरी लाश तक दिख रही है। तो इतना दोस्तों यहाँ का इतना भावकाल है मतलब इस प्लेस का कि अभी भी दोस्तों यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लाइन जैसे यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। आप जैसे देख सकते हैं पीछे से लेकर के ये पूरी लाइन वहीं तक है, मतलब कि 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु होंगी ऐसा तो मैं इमेजिन कर ही सकता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ परेड ग्राउंड में, जो कि दोस्तों संगम के पहले आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों दुबई कार्निवल लगा हुआ है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे रूम भी जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दोस्तों पूरा एक्सप्लोर करने लगूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं किसी दिन आऊँगा तो इंडिकेटेड दोस्तों इसके लिए एक ब्लॉग बना दूंगा। अभी फिलहाल आप ऐसे देख सकते हैं ऐसे कुछ ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है, ये दुबई कार्निवल है और ये इलाहाबाद में 3-4 जगह लगा हुआ, केवल यहीं पर नहीं आपको बहुत जगह सिविल लाइन भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ ये मेला है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला झूला भी लगा हुआ है, ये राउंड वाला भी है, उधर भी बहुत सारे मतलब हैं, मतलब बहुत बड़ा ये अंदर बना हुआ है। तो आप अगर इंदा के प्रयागराज से हैं तो आप यहाँ परेड ग्राउंड में आ सकते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब, इसमें यहाँ पर एक लड़का बैठता है और फिर ऊपर को बहुत जल्दी जंप होता है, मतलब जंप के लिए है। और दोस्तों मैं यहाँ से अपना ब्लॉग एंड करता हूँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अब मैंने सभी चीज़ आपको दिखा दी कैसे क्या अपडेट था। बाकी दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलते हैं दोस्तों अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।